आतंकियों ने शनिवार को श्रीनगर के बारबर शाह इलाके में ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में 3 नागरिकों के भी घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर के बारबर शाह इलाके में ग्रेनेड हमला हुआ है और इस हमले में वहां के स्थानीय 3 नागरिक घायल भी हुए हैं। घायलों को इस घटना के बाद तुरंत ही वहां के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी सभी का इलाज चल रहा है। तो ये एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला है। हालांकि किसी के भी मृत्यु की खबर यहां पर नहीं है, लेकिन 3 स्थानीय नागरिक वहां घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज लगातार इस वक्त भी चल रहा है। और इस वक्त इस खबर पर विशेष जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ताजा अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? जी, ताज़ा अपडेट जो हमारे पास है, जैसे कि कल शाम को जो है श्रीनगर के बरबशा इलाके में हफ्ते को होने वाले एक ग्रेनेड हमले में एक खातून समेत 3 आम शहरी जो है वो जख्मी हुए थे। जरिया सरकारी जरिए ने हमें बताया कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने जो हफ्ते की शाम बरबशा में सीआरपीएफ के बैंकर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका था, और उन्होंने बताया, ये भी बताया कि ग्रेनेड जो है जो निशाना चूक कर जो है सड़क पर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। जरिए ने हमें बताया कि ग्रेनेड के आईनी जो ये हैं जो गैर मुकामी खातून समेत 3 आम शहरी जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 3 नागरिक जो हैं जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए उनको नजदीकी जो है अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जरिए ने हमें ये भी बताया है कि हमले के फौरन बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में वसी पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया, तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया। तमाम हमला आवार जिन्होंने ये ग्रेनेड जो हमला किया था वो फरार होने में कामयाब हो गए। ये भी बताया कि एक दिन पहले ही 25 जून को जम्मू कश्मीर के शोपियां में हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर हुआ। आप ये भी जानते हैं कि 3 दिन में 2 जो है इनकाउंटर शोपियां में देखने को मिले हैं। तो इसको लेके जो है पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि मिलिटेंट की मौजूदगी खुफिया जानकारी मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ऐसे मुआसरे कर दिए है और जो तलाशी मुहिम है वो शुरू कर दी है। मैं आपको ये बताता चलूं कि बरबशा में जो कल एक ग्रेनेड हमला हुआ है उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आई है। उस पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये आतंकी हमला हुआ है, ये टेरर अटैक हुआ है, और वहां पे जो है एक खातून के साथ 3 जो है आम शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि हमारे पास अभी न्यूज एक आई है कि एक जो आम शहरी थे जो शदीद तौर पे जख्मी थे उसने जो है अपना दम तोड़ दिया है। हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, नजदीकी जो श्रीनगर हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती थे और वहां पे जो है उसने अपनी आखिरी जो है वो सांस ली है। तो आपको बताता चलूं कि कल रात एक और जो है धमाका हुआ था, एक पेट्रोल बम हुआ था, सोपोर में हुआ था जी। अगर देखा जाए तो आज कश्मीर में जो ऐसे वाकया जो है आम देखने को मिलते हैं। सोपोर से हमारे पास एक खबर है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, सोपोर से हमारे पास एक खबर है कि पेट्रोल बम जो है वो पुलिस पार्टी पे हाईगम सोपोर में फेंका गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया कि अभी कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। जी आसिफ, इस तरह की वारदात जब हो जाती है तब पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है, लेकिन आखिर इस तरह की वारदात होती कैसे है और आखिर यहाँ पर किसकी चूक है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पे ये ग्रेनेड हमले होते हैं वो पुलिस पार्टी पे होते हैं या नाका पार्टी से, जहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं या सिटी या टाउन की बात की जाए वहां पे होते हैं। यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूं कि चूक अगर आप कहेंगे या ये इसमें मतलब चूक किसकी है, तो साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की चूक तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि हमलावर है जो ग्रेनेड हमला करते हैं इनको पहचानने में भीड़ में जो लोग होते हैं या कल बरबशा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी और बाइक और कुछ सिविलियन पैदल चल रहे थे, उन्हीं में से किसी एक ने जो है ग्रेनेड दाग के वो भाग गए। तो ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है
थोड़ी तैनात थी वहां पे, लेकिन चुकंदा नहीं थी, क्योंकि इन चीजों पे जो जहां पे नाके हैं, जहां पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, वहां पे सीसी फुटेज के साथ साथ जो है हफाजती अमले जो है वो चुकन्ने और रहने चाहिए, ताकि किसी भी गतिविधि को होने से पहले जो है रोक दिया जाए। आसिफ, आपको क्या लग रहा है कि इस हमले में जो भी आतंकवादी शामिल है क्या वो पकड़े जाएंगे? जी, एक आला पुलिस अधिकारी ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी की गई है और एक एफआईआर भी रजिस्टर किया गया है और हमलावर जो है उनकी छानबीन और उनके उनके बारे में तमाम मालूमात जो है वो हम जल्द ही जो है पालेंगे और जो भी हमलावर होगा जिसने भी ये हरकत की है उसको हम बहुत सख्त सजा देंगे। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस एरिया को गार्ड ऑफ किया गया था और सर्च ऑपरेशन भी जारी किया गया था कि हम उसको ट्रैप कर पाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक जैसे ही कोई इसमें मुलाविस होता है, नाम आता है, तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। जी आसिफ, इस पूरे मामले पर तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये खबर है श्रीनगर से, जहां आतंकियों ने शनिवार को बारबर शाह इलाके में ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में 3 नागरिक के घायल होने की भी सूचना है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। Thank you.